बच्चे से लग रहे हो इसके आगे, उसको वेजिटेरियन भी नहीं बता। बताओ आईफोन थोड़े सेकेंड हैंड रखे हैं, देखो दबा के। हे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट रहा है इज़मिर टर्की में। मैं अभी टर्मिनल के बाहर ही हूँ और मेरा शिप पीछे डॉक हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जस्ट मेरी ड्यूटी अभी फिनिश हुई है। एक्चुअली मैंने जल्दी ड्यूटी मतलब थोड़ा बाहर निकल गया हूँ। अभी 5 बजे हुआ है यहाँ पे, 5 PM हो रहे शाम के। और थोड़ा शॉपिंग के लिए हम बाहर जा रहे हैं, चंदन भाई भी मेरे साथ हैं, तो चलिए मिलते हैं बाहर। और चंदन भाई वहाँ पे हैं सामने, हेलो भाई कर दो। चलो कहाँ जाने वाले हम? मैं कैब लेने का सोच रहा था, अभी लेके आया था लास्ट टाइम, अभी इस बार चलेंगे उस कैब पर, देखते हैं क्या बोलता है वो। मेरा तो डिसाइडेड है कि कैब लेना है, थोड़ा और शॉपिंग करनी थी मुझे। अच्छा मिलता है ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब इज़मिर में बार्गेनिंग करनी पड़ती है सबसे मेन। हाँ टर्की में बार्गेनिंग बहुत मतलब कर सकते हैं आप लोग। इस्तांबुल या टर्की, पूरे टर्की में कहीं पे भी है ना, प्रोडक्ट मतलब अच्छे हैं, लेकिन कैसा है उनको बार्गेन करना बहुत ज़रूरी है। बिना बार्गेनिंग यहाँ पर के फ़ायदा नहीं है फिर कोई। टर्मिनल से बिल्कुल एग्जिट कर चुके हैं हम लोग और अभी हम जाएंगे मार्केट की तरफ। मुझे क्रॉस करके उस तरफ को जाना पड़ेगा। चंदन भाई उस तरफ को चल रहे हैं और वहाँ से हाई कर रहे हैं। हाँ टैक्सी आ रही सामने से, एक फटाफट से क्रॉस कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो, आपको बिटकॉइन ऑनलाइन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके आप खरीद सकते हैं। बिटकॉइन शॉप भी है यहाँ पे, एक देखो। इंडिया में नहीं है लेकिन बिटकॉइन शॉप ना? नहीं, आपने देखी है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही ख़रीदना पड़ता है। चंदन भाई यहाँ पे आप चाय के बारे में पूछ रहे हैं, चाय की थी एक बार, मुझे भी ठीक ही लगती है, ब्लैक टी की तरह है। देखते हैं चंदन भाई, आ भी गई चंदन भाई की टर्किश टी यहाँ पे। थैंक यू। आपको पता है चंदन भाई, ये ग्लास है ना पूरे टर्की में सेम ही रहेगा इसका डिज़ाइन। ये हाँ नहीं 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 चेंज कहीं भी जाओ आप, ये जो टर्किश टी का ग्लास है ना ये सेम रहेगा। बताओ फिर कैसी लग रही है आपको टर्किश टी? सेम ब्लैक टी है अपनी, अपने आप नॉर्मल अगर काली चाय बनाते हैं ना वैसी ही है। पूरी काली चाय है, कुछ भी नहीं है इसमें। काली चाय में बस वो डाल लो, क्या शुगर की मतलब ये चीनी डाल लो, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने चाय के लिए 10 टर्किश पे किया ना, मतलब दोनों का था ना वो तो, हाँ, दो का। लेकिन इस्बेन में सस्ता है इसका मतलब, क्योंकि इस्तांबुल में हमने पे किया था बस 10 टर्किश लीरा की एक ही है वहाँ पे, और यहाँ पे पूरा आधा है, 5 टर्किश लीरा की, इसमें सस्ता है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मेन सेंटर है यहाँ पे। अब अभी हम लोग यहाँ से अंदर की तरफ को जाएंगे, गली जो मेरे पीछे आपको दिख रही है। यहाँ पे अभी हम एक शॉप के अंदर आ गए हैं जहाँ से चंदन भाई को अपने ट्रूक टेलीकॉम का रिचार्ज कराना है। ट्रूक टेलीकॉम यहाँ पे लोकल ब्रांड है, मतलब लोकल सिम है, टर्की के अंदर चलता है, उसका रिचार्ज करना है। अभी हम लोग टैबलेट यहीं से ख़रीद रहे हैं, मतलब देख रहे हैं अभी कितना टर्किश लीरा बोल रहे हैं। 3500 टर्किश लीरा। 11 Pro Max यहाँ पे सेकेंड हैंड देख रहे हैं कितने का मिलेगा। यहाँ पे वैसे आप देखेंगे पूरे आईफोन पूरे सेकेंड हैंड रखे हैं, देखो दबा के। तो चंदन भाई यहाँ पे आईपैड बोल रहे हैं जो यहाँ पे रखा हुआ है। चंदन भाई 100 यूरो तक पे करने को तैयार है, लेकिन ये 200 यूरो बोल रहे हैं। अभी हम निकलते हैं आगे की तरफ को और आपको पूरा मार्केट में टाइम लैप्स में दिखाता हूँ। हॉलोवीन पार्टी के लिए मास्क वगैरह देख रहे हैं। कब है ना, कल है ना हॉलोवीन पार्टी? कब होती है? 31 को होता है शायद, 31 अक्टूबर को। हॉट डॉग खा लेते हैं यहाँ पे, उसको पूछो वेजिटेरियन उसके पास। विदाउट मीट, उसको वेजिटेरियन भी नहीं बता। बताओ ट्रांसलेट करके, बताओ ट्रांसलेट करके। यहाँ पे अभी हम लोग एक शॉप के अंदर घुस गए हैं और चंदन भाई को जहाँ भी शॉप मिलती है वहाँ अंदर घुस जाते हैं, कुछ देख रहे हैं अपने लिए। वो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं, यहाँ पे कोने में कुछ देख रहे हैं अपने लिए। बढ़िया है चंदन भाई, ले लो बढ़िया है। और यहाँ पे इस तरह की जैकेट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे भी विंटर सीजन आने लग गया है, इस वजह से देखो आप जैकेट वगैरह सब वही रखी हैं। शूज़ वगैरह भी अच्छे हैं यहाँ पे, स्टाइलिश। ऊपर आपको जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ मैं, पूरा देखो आप, पूरा हॉलोवीन पार्टी का थीम बना के रखा है यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग भी वही चल रही है। पे गाड़ी दिखा रहा हूँ आपको, देखो कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है, बिल्कुल एक नंबर मर्सिडीज़ की भाई। इतनी हाइट इसकी,
देखो भाई बहुत हाइट है गाड़ी की, खतरनाक लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। चंदन भाई को इसके आगे अभी वो लेना है फ़ोटो लेना, अपना बच्चे से लग रहा है इसके आगे। ट्रैफिक जैम भी लंबा लगा हुआ है यहाँ पे देखो। चंदन भाई अपने फूडी भी बहुत है, क्या देख रहे हैं चंदन भाई? टर्किश डिलाइट। तो चलिए अभी हम घुस गए एक छोटे से मार्ट के अंदर, थोड़ा चिप्स वगैरह देख लेते हैं केबिन में खाने के लिए। चंदन भाई बहुत तेज चल रहे हैं, चंदन भाई तेज क्यों चल रहे बताओ? नहीं मुझे लेट हो रहा है अभी, सीधे वापस जाना है। चंदन भाई की ड्यूटी है 6:30, अपनी तो ख़त्म हो जाती है 5, 5:30, 6 बजे, 6 बजे। तो चंदन भाई की अभी है 2-3 घंटे की शिफ्ट और बची हुई है, इसलिए थोड़ा जल्दी में है। तो 3 यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे पास टर्किश लीरा नहीं है, और ये सिर्फ टर्किश लीरा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे यूरो को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। चंदन भाई अभी निकल चुके हैं शिफ्ट की तरफ को, क्योंकि उनकी 6:30 ड्यूटी थी तो उन्हें जाना था, इसलिए वो निकल गए। अभी मैं अकेले ही घूम रहा हूँ। वैसे मेरे पास अभी टाइम है, शिप सेल होगा अपना 8:30, तो मुझे 7:30 अंदर जाना होता है। जो क्रू होता है उसको 1 घंटा पहले जाना होता है शिप सेल होने, जो शिप डिपार्चर टाइम होता है उससे 1 घंटा पहले, और पैसेंजर्स को 1/2 घंटा। यहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ सी साइड पर, बस सामने ही मेरे देखो आ चुका हूँ सी साइड पे। सब पार्क बना रखा है और यहाँ पे पूरे गेंदे के फूल लगा रखे हैं। गेंदे के फूल मैंने बहुत टाइम बाद देखे, अपने वहाँ तो बहुत होते हैं उत्तराखंड में, बागेश्वर में, मतलब यही रहते हैं सब जगह। इसकी मतलब जो सीड्स हैं अगर आप ऐसे फेंकते हो ना, लग जाते हैं वो कहीं पे भी उगना चालू हो जाते हैं। और सी साइड में लोग बैठे हुए हैं अभी, और सामने आप देखो सामने का व्यू बहुत मस्त है, सनसेट हो रहा है, हो ही गया मतलब ऑलमोस्ट। और ये बंदा यहाँ पे चाय बेच रहा है, और हिंदी वर्ड्स का ही बहुत यूज़ करते हैं, ताज़ा चाय चाय इस तरह से बोल रहे हैं ना यहाँ पे। और बिल्कुल सी साइड पे पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको एक बार मैं पूरा 360 व्यू दिखा देता हूँ इजमेर सिटी का। इजमेर सिटी तो बहुत बड़ी है, इनफैक्ट ये टर्की में दूसरे नंबर की सबसे पॉपुलेटेड सिटी है आफ्टर इस्तांबुल। तो इतना बड़ा शहर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट इसमें आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू है कुछ। और यहाँ पे किनारे किनारे फिशिंग रॉड लगा रखी हैं, लोग फिशिंग कर रहे हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ शिप के अंदर क्योंकि टाइम भी हो गया, 7 बज गया है, टर्मिनल के बिल्कुल पास पहुँच गया मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फेरी आपको दिख रही होगी, उसके उस तरफ को अपना शिप डॉक हुआ है। और फेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी फेरी है। फेरी या रोरो शिप का जो मेन काम होता है वो होता है गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या एक सिटी से दूसरी कंट्री में, जैसे कार बस ट्रक ये सब ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। इसमें पैसेंजर भी जाते हैं और गाड़ियां भी जाती हैं, लेकिन मेन काम इनका ये होता है व्हीकल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने का। और ये है अपना इजमेर पोर्ट। अभी मैं आ गया हूँ टर्मिनल के अंदर, और टर्मिनल के अंदर ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, इन्होंने अपना फ्लैग हर जगह लगाया होता है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।